मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर उनका परिवार जितना चिंतित है उतना ही चिंतित पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री है और उनके दोस्तों के अलावा उन्हें चाहने वाले भी काफ़ी चिंतित हैं। जल्द से जल्द ठीक होकर अपनों के बीच दोबारा लौट सके, डॉक्टरों की पूरी टीम उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि उन्हें 32 दिनों में बीत जाने के बाद भी होश नहीं आया। राजू श्रीवास्तव एम्स के ICU वार्ड में लंबे समय से भर्ती हैं। वो 32 दिनों के बाद भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने कई बार वेंटिलेटर को पूरी तरह से हटा देने का पर विचार भी किया, लेकिन राजू की सेहत को देखते हुए उन्होंने फैसला टाल दिया। हाँ, एक दो बार कुछ समय के लिए वेंटिलेटर को हटाया गया था, लेकिन सेहत में सुधार ना होता देख डॉक्टर्स ने फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। राजू श्रीवास्तव को अब तक अस्पताल में भर्ती हुए 32 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें होश अब तक नहीं आया। बीच में उनकी सेहत से जुड़ी ये खबर भी सामने आई थी कि उन्हें होश आ गया, जिसके बाद लोग बेहद खुश हो गए थे, लेकिन ये लगता है कि महज एक अफवाह निकली। हालांकि राजू श्रीवास्तव की सेहत पर डॉक्टर्स लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए। राजू का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अब तक होश पर नहीं आ पाए। अब तक कई हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के जल्दी ठीक होने को लेकर ट्वीट किया है, मैसेज किया है, यानी जिन्हें जिस तरह से उनके लिए दुआएं भेजनी हैं वो भेज रहे हैं। 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके महज 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन ने उनके जल्द ठीक होने के लिए वॉइस मैसेज भी भेजा था। बेहोशी की हालत में ही राजू श्रीवास्तव को ये मैसेज सुनाया गया था। वहीं 2 दिन पहले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे, जिसके बाद से जिम के लोगों ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। बाद में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अस्पताल में भर्ती होने के दिन ही डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी और उसी वक्त से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल की ICU वार्ड में भर्ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।